उनके जानने वालों ने पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया। एक जवान की चोट आई है, उसे तुरंत पीसीआर में बिठाकर अस्पताल ले जाया गया है। दोनों तस्वीरें आपके सामने हिंदुस्तान रख रहा है, देखिए किस तरीके से टीम पर पथराव कर दिया गया अचानक से। तो ये दोनों ही तस्वीरें बताने के लिए काफी कि आखिर जहांगीरपुरी में इस वक्त किस तरीके का माहौल है। आप समझिए, जब फोर्सेस का इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट है, रैपिड एक्शन फोर्सेस का बड़ा डिप्लॉयमेंट है, लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लगातार मौके पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, बावजूद उसके ये लोग सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है और लगातार छतों से पत्थर मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। पल पल की तस्वीर, पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है और ये तमाम वीडियोस जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, इन तमाम वीडियोस पर भी स्पेशल सेल आईटी सेल की पैनी नजर है। हर एक वीडियो को खंगाला जा रहा है और उन वीडियोस के आधार पर ही एक एक करके हर एक चेहरे को, हर एक शख्स को, महिला बच्चों को आप देखिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चे भी आपको पत्थरबाजी करते हुए नजर आएंगे, उनको ट्रेस करने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है, कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और उस बीच जब पूछताछ के लिए पहुंचा जाता है तो पत्थरों की बरसात पुलिस फोर्स पर हो रही है। तो पुलिस फोर्स, पुलिस के जवान मौके पर लगातार मौजूद है, पूरी तरीके से कैंपेन यहाँ पर पुलिस फोर्स के तमाम जवान कर रहे हैं। आरएएफ की बटालियन की स्पेशल यूनिट्स को भी मौके पर अब डिप्लॉय किया गया है। हालांकि आप देखिए, ये वो सोनू शेख है नीले कुर्ते में जो फायरिंग करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। दूसरी तस्वीर में हमारे पुलिस फोर्स के वो जवान जिनके पैर में वो पत्थर लगाए, जिनके पैर में वो अद्दा लगाए और तुरंत उन्हें पीसीआर में बिठाकर अस्पताल ले जाया गया है। आप देखिए, जांच की कार्रवाई दायरा उसका बड़ा करने की कोशिश जरूर दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन किन चुनौतीपूर्ण माहौल में इस वक्त जहांगीरपुरी और पुलिस फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट मौके पर, आने वाले वक्त में यहां से क्या कुछ निकलेगा उस पर नजर। लेकिन उससे पहले ये बताने की कोशिश कि देखिए, अब भी हम नहीं सुधरने वाले, अब भी हम पत्थरबाजी करेंगे और फोर्सेस के ऊपर भी अगर हमला करना होगा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं सोनू शेख का चिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अंजीत ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ। अंजीत, फिलहाल वहां पर क्या कुछ इस वक्त हालात है, क्योंकि खबर ये जब पुलिस पूछताछ के लिए महिला से जा रही थी तो उन पर हमला हुआ है। तो चलिए अंजीत से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको यह बड़ी खबर बता दें, जिस तरह से देखिए पूछताछ लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है, इस बीच पुलिस अधिकारी महिला से पूछताछ के लिए उसके घर पर जा रहे थे लेकिन घर से ही पथराव कर दिया गया। और आपको बता दें, ये वही सड़क है जिस पर शोभा यात्रा जिस दिन निकाली जा रही थी हनुमान जयंती के दिन, वहां से इन्हीं घरों से पथराव किए गए थे। इन्हीं घरों पर कहा जा रहा था कि इन्हीं घरों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और ऊपर से पत्थर बरसा रहे थे। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि पहले हमला दूसरे पक्ष की ओर से किया गया, उनकी ओर से इसकी शुरुआत की गई, तो आखिर डर किस बात का, अगर पुलिस पूछताछ के लिए जा रही तो आप सहयोग कीजिए। तो ये लगातार आपको ग्राउंड जीरो से देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से एक बार फिर से दहलाने की कोशिश जहांगीरपुरी को की जा रही है। तो आप देखिए लगातार ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, अंजीत श्रीवास्तव लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ है। अंजीत, अंजीत अब इस वक्त मौके पर क्या कुछ परिस्थितियां हैं, क्योंकि कल भी फोर्सेस का बड़ा डिप्लॉयमेंट था, आरएएफ के तमाम जवान थे, लेकिन बावजूद उसके पत्थरबाजी की घटना को आज फिर अंजाम दिया गया। देखिए, तमाम जो फोर्सेज है ना वो आई थी एक महिला को डिटेन करने के लिए। इस वक्त जब उस महिला की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जब उसको हिरासत में पुलिस ने ले लिया था, उसके बाद से दोबारा पुलिस गई थी अंदर, क्योंकि जो वीडियो है उनको आइडेंटिफाई कर रही है पुलिस और उनमें जो लोग दिख रहे हैं पत्थर के साथ, जो लोग हथियारों के साथ, उनको फिलहाल पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दोबारा वो पुलिस अंदर गई थी, जब दोबारा पुलिस अंदर जा रही थी तो उस वक्त उनको रोकने की कोशिश हुई, वहां पर मौजूद महिलाओं ने रोकने की कोशिश की और वो जब नहीं माने तो उसके बाद वहां पर पथराव शुरू हुआ, फिर पुलिस ने वहां से लोगों को हटाया। मैं तस्वीरें एक बार आपको दिखाऊं, पहले मीडिया को भी काफी दूर कर दिया गया फिलहाल, लेकिन उससे जिस घर से पथराव हुआ था उससे मीडिया को दूर किया गया है और वहां पर भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। इसका मतलब यह है कि अभी सर्च फिलहाल चल रहा है
और जब उस पत्थरबाजी उसके बाद पुलिस जो है वो अंदर गई थी, कुछ लोगों को उस वक्त भी हिरासत में लिया गया है और आने वाले वक्त में देखिए अभी कुछ घंटों में और भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। उसके पीछे की वजह यह है कि जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं वो लोग बचेंगे नहीं, लेकिन एक बात बहुत समझनी पड़ेगी कि आप ये समझिए कि जब पुलिस इतनी तादाद में तैनात है, आरएएफ तैनात है इस पूरे सड़क पर, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का लंबा ये रास्ता है और 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते से आप जब गुजरेंगे हर जगह पर आरएएफ के जवान तैनात हैं, पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात है, उसके बावजूद भी आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में, उन जवानों की मौजूदगी में पत्थर फेंके गए, पत्थर बरसाए गए और एक व्यक्ति को चोट भी हल्की पैर में लगी है। ये बात सही बात समझनी पड़ेगी कि आखिर आपके पास, लेकिन हमारे साथ शिवम भी जुड़े हुए हैं। शिवम, आपके आसपास क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त? देखिए बिल्कुल इस वक्त अगर हम बात करें अब से कुछ देर पहले ही सोनू शेख जिसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, कल जो वीडियो आया था जी हिंदुस्तान के पास एक्सक्लूसिव था, नीले कुर्ते में जो व्यक्ति गोली चलाते एक बार फिर से आपका बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है, तस्वीरें जो मिल रही है वो आपको पहले बता। बड़ी गर्मी है यार, भयंकर बॉडी बन। बता दूं दंगे के आरोपियों के सामने जय श्री राम के नारे लगे। बड़ी खबर, दंगे के आरोपियों के सामने लगे जय श्री राम के नारे। नारेबाजी की गई दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के बाहर, नारेबाजी हुई है। मंजर देख के बार बार, क्योंकि श्री राम जी और हम तो बचपन से सुनते चले आए थे सिया राम का नारा, लेकिन अब वो जय श्री राम, और वो जय श्री राम का नारा उन्होंने आतंक का नारा बना दिया है। मतलब कहीं पे भी नारा लगता है और ये अभी आप दिखा रहे थे ये चार पांच नशेड़ी, उनमें एक दो वकील भी हैं, ये लोग श्री राम जी के नाम को इस तरह से मिसयूज कर रहा है उनका। अच्छा। बड़ी हमें दुख होता है क्योंकि पूरी दुनिया में रामचंद्र जी को जो है एक अलग निगाह से देखा जाता था, लेकिन अब ये जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी श्री रामचंद्र जी को जो आतंकवाद का झोला पिलाने की कोशिश कर रही है बहुत गलत है। इसे दोहरा रवैया कहते हैं, इसे दोहरा रवैया कहते हैं, क्योंकि जब जय श्री राम का नारा लगे और पत्थर बरसाए जाए तब आप कह देंगे क्रिया की प्रतिक्रिया है, नहीं नहीं, और जब आरोपी ले जाया जाए जेल और जय श्री राम का नारा लगे तब आपको अफसोस होता है। शालिनी, हम ये दोहरा रवैया नहीं है, बहुत हमें दोनों चिंताएं, हमें दोनों चिंताएं, हम चूंकि हमारे हिंदू भाई जो हैं, हमारे हिंदू भाई बहने इस देश में हमारे साथ रहते हैं, पत्थर बरसे तो क्रिया की प्रतिक्रिया, हमें इससे पहले जय श्री राम का नारा लगे यहाँ त्योहार मनाते जाते रहे और बड़ी खुशी के साथ और बड़ी शांति के साथ मनाए जाते थे, सब लोग मिलके मनाए जाते थे, लेकिन अब जो पत्थर बरसाया जाए तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। ये कुछ लोगों को शराब पिलाके उन लोगों को जय श्री राम का नारा, मैं आपको बताऊं शादी, शराब पिलाकर उन लोगों को चला दिया जाता है और उनको काम दिया जाता है कि तुम्हारा काम ये करना है। देख लीजिए आप इस विजुअल में, नशेड़ी नजर आएंगे आपको, कैसे पता वो नशेड़ी है? ये वकील है, ये देखिए वकील है, कैसे पता ये वकील? आपको कैसे पता वो वकील नहीं है? मैंने देखा है, मैं गवाह हूँ, मैंने साक्षी हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो तस्वीर मैंने दिखाई वो वकीलों की नहीं है, आपको कैसे पता? दारू पी रहे होते हैं
और ये तलवारें नचा रहे होते हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं जो बोलिए इसकी जिम्मेदारी के साथ बोलिए, आप भी इसकी निंदा करें। मैं निंदा कर रही हूँ, पत्थर बरसाए गए, मैं उसकी निंदा कर रही हूँ। मैं निंदा कर रही हूँ मेरे पुलिस वालों के ऊपर आज पत्थर बरसाए गए, बिल्कुल गलत है। शोभा यात्रा निकलती है, पत्थर बरसाए जाते हैं, पत्थर कहाँ से आते हैं? मैं निंदा कर रही हूँ सर, मैं ये भी निंदा कर रही हूँ कि आप वकीलों को शराबी कह रहे हैं। नहीं मैं वकीलों को नहीं कह रहा, इनके साथ जो अंसार और असलम निर्दोष है, लेकिन वकील आपको शराबी नजर आ रहे हैं। वकील शराबी नजर आ रहे हैं और मीडिया जो है वो कोर्ट अंसार और असलम बेगुनाह है।